पता है सलोनी, मैंने विवेक को बहुत समझाने की कोशिश की, पूरी रात शराब पीता रहता है, क्या हो गया है उसे? टिया, ऑल मेन आर द सेम। सब अपने दिल में बहुत सारी टेंशन दबा के रखते हैं। ऐसे एक बात बता, तेरी और विवेक की सेक्स लाइफ कैसी चल रही है? हाँ मत पूछ यार, मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हम दोनों ने सेक्स कब किया था। वो इतना बिजी रहता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। टिया, विवेक का कहीं कोई बाहर अफेयर या ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है? अरे यार, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, अफेयर के लिए टाइम कहाँ से होगा? और वैसे भी उसके होटल की बोर्ड मेंबर हूं मैं, ऐसा कुछ होता तो मुझे भी आइडिया होता। एक आइडिया है, तुम दोनों ना एक वेकेशन पे चले जाओ, लाइक अ हनीमून ट्रिप। 24 घंटे तुम लोग साथ में रहोगे ना, तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाएगा और क्या पता सब ठीक हो जाए। अभी वेकेशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, विवेक आउट ऑफ टाउन है और उसकी एब्सेंस में सारा बिजनेस मुझे संभालना पड़ता है। टिया, अब ना एक ही सॉल्यूशन है, डिवोर्स। क्या यार, क्या कह रही है तू? डिवोर्स के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। बहुत आसान है ये कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। टिया, मेरी बात ध्यान से सुन। आज शाम को एक सेक्सी सी ड्रेस पहन के पार्टी में आ जाना। तेरी मैरिज को एक ब्रेक की जरूरत है। और हाँ, ये कोई फालतू सी किटी पार्टी ही नहीं है, हाँ स्पेशल इलाइट क्लब से इनवाइट है। सिलेक्टेड गेस्ट, फुल प्राइवेसी। यहाँ पे अक्सर लोगों की जिंदगी बदल जाती है, एंड आई प्रॉमिस तेरी जिंदगी भी बदल जाएगी, समझी? I'll see you tonight.